हिंसा और सलवा झुड़ूम के चलते विस्थापित हुए बस्तर के हजारों आदिवासियों को राज्य सरकार फिर से यहां पर बसाएगी। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बसे करीब 100 आदिवासियों ने सोमवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि यदि आप वापस आना चाहते हैं तो राज्य सरकार स्वागत के लिए हमेशा ही तैयार है। उन्होंने ये भी कहा है कि पुनर्वास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने का भरोसा दिलाया है। आपको बता दें कि साल 2003 से 2005 के बीच बस्तर संभाग के सुकमा, तांतेवाड़ा और बीजापुर के करीब 644 गांव के 5,05,000 से भी अधिक आदिवासी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना चले गए थे। अब वहां की सरकारें उनकी जमीन से यहां पर बेदखल कर रही है। ऐसे में 15 साल से अधिक समय से विस्थापित का जीवन जी रहे और ऐसे में बहुत से आदिवासी अब लौटना चाहते हैं, लेकिन यहाँ नक्सली खतरा जो है वो बना रहता है। उनके घर और जमीन पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। ऐसे में वे अपने लिए नए सुरक्षित स्थान की लगातार मांग कर रहे हैं। हमारे साथ ओम प्रकाश जी ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, जिस तरीके से आदिवासी ने मांग की है और ऐसे में सीएम भूपेश बघेल ने उनकी मांगों को यहाँ पर पारित भी कर दिया है, कहा है कि आप जब चाहे आप आ सकते हैं। 2003 से 2005 तक जब आदिवासी जो थे नक्सल हिंसा के खिलाफ स्फूर्त खड़े हो गए थे और उन्होंने एक तरह से मोर्चा संभाल लिया था कि अब नक्सलियों को बस्तर से खदेड़ना है और विकास जो कार्य में बाधा जो नक्सली पहुंचा रहे थे उन्हें वहां से भगाना है। तो जाहिर तौर पे यह आंदोलन काफी समय तक चला, वर्षों तक ये आंदोलन चला। इसके बाद जो थी स्थितियां ऐसी रही है कि नक्सली लगातार वारदात को अंजाम देते रहे, लिहाजा उन्हें विस्थापित होना पड़ा, क्योंकि नक्सली जो है वो खार खाए नक्सली जो है वो गांव में हमला करने लगे थे, उन लोगों को चुन चुन कर हमला करने लगे थे जो सलवा कुजुड़ूम के पक्ष में खड़े थे। ये वही लोग हैं जो 55,000 लोगों की हम बात कर रहे हैं जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में चले गए और वहां पर रहने को मजबूर हो गए। अपना सारा घर बाल छोड़कर उनको उन्हें जाना पड़ा था, अपनी जमीन छोड़कर जाना पड़ा था। तो ये लोग सिर्फ इसलिए गए थे कि नक्सली जो है उनको टारगेट ना कर सके। लेकिन अब हालात ये हैं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अन्य राज्य हैं वो भी इन्हें वहां विस्थापित करने या फिर जमीन या सुविधाएं देने के लिए इनकार कर रहा है। ऐसे में जो इनके सामने एक ही चारा बचा है कि वो अपने घर वापस लौट आए। लिहाजा 100 से ज्यादा परिवार के जो लोग थे कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उन्होंने मुलाकात की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें आश्वासन दिया कि हम जो है किसी भी तरह से आपको यहां बसाएंगे वापस, क्योंकि आप यहीं के वासी हैं और यहीं के रहने वाले हैं। तो इसके लिए कई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई चीजें भी उनके सामने पक्ष रखी अपनी की टुकड़ों में ना सही लेकिन एक साथ हम उनको बसाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो है सलवा जुड़ूम कैंप भी है बस्तर के क्षेत्र में, तो जाहिर तौर पे वहां सुविधाएं जो है बढ़ाने की भी बात की जा रही है और सुविधाओं के साथ ही उन्हें वापस से जो है उस जगह पे विस्थापित किया जाए। अगर वो अपने गांव में ना बस पाए तो कुछ ऐसी जगह चिन्हित की जाए जहां पर सुरक्षा के साथ साथ वो बेखौफ वहां पर रह सके। तो सीधी जाहिर सी बात है तरन्नुम की इसमें कि सरकार पक्ष में खड़ी है कि विस्थापित जो है जो लोग गए हैं छत्तीसगढ़ से वो वापस लौट आए और वो वैसे ही जीवन यापन करें जैसे 1 दशक या 2 दशक पहले वो किया करते थे। जी, ऐसे में हजारों आदिवासियों को राज्य सरकार अगर वापस से बसाती है तो कहीं ना कहीं उनकी घर वापसी होती है और वो खुशी जो है आदिवासियों में साफ तौर पर देखने को भी मिल रही है। जी बिल्कुल तरन्नुम, आदिवासियों में खुशी इस बात की हो क्योंकि जल, जमीन और जंगल ये आदिवासी वर्ग जो है वो इन्हीं चीजों से जुड़े रहते हैं। उन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं, वो कुछ नहीं चाहते सरकार से ना ही दुनिया से वो कुछ चाहते हैं। उनको चाहिए सिर्फ जल, जंगल और जमीन, तीनों पर ही वो अपना राज चाहते हैं, तीनों पर ही वो स्वतंत्रता चाहते हैं कि हम इन चीजों को का सदुपयोग कर सकें और अपनी परंपराओं को वापस पा सके। क्योंकि एक आदिवासियों की एक अलग परंपरा होती है, वो अपने घर को अपने देवी देवताओं को छोड़कर नहीं जाना चाहते, लिहाजा उनके अंदर ये आस जरूर रहती है कि वो अपनी स्थानीय जगह पे आकर वापस बसे और उन परंपराओं का लगातार निर्वहन कर सके और वहां पर हंसी खुशी रह सके। जी ठीक ओम प्रकाश जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने तमाम जानकारी हमसे साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर
अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।